स्नैक्स का अनाउंसमेंट भी बहुत ओपी था भाई। स्नैक्स का अनाउंसमेंट वो तो आने वाला है 8 बिट में SATL में। ही वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ 8 बिट क्रिएटिव्स। ऑल हैपेंड अचानक से। स्नैक्स अन्ना की लाइम जूस अन्ना की फैट पिजन वाली पार्टी में जहां पे अन्ना ने सिर्फ अपने क्लोज वंस को इनवाइट किया था। तो 6 महीने पहले मेरे पास स्नैक्स का मैसेज आया था जब इट ऑल हैपेंड। मेजर थोड़े से मैं पॉइंट्स बता देता हूं। मावी स्काउट जो आप लोग बोलते थे क्या है क्या नहीं, तो मावी स्काउट का इश्यू रिजॉल्व हो गया। उनको बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट, और वो दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड एंड आप लोग उनको साथ में खेलते हुए देखेंगे कल से। स्नैक्स का मैटर पे थे तो यस, स्नैक्स 6 महीने पहले व्हेन बीजीएमआई वाज देयर ही टॉक टू मी अबाउट SATL, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ वन ऑर्ग। एंड जब वो हो गया तो गेम भी बैन हुआ एंड स्नैक्स लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्री था बट हमारा कभी कुछ प्लान ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ बात भी नहीं हुई उसके बाद। स्नैक्स भी नहीं बोला दोबारा, तो मैं भी भूल गया था ऑनेस्टली। और वो SATL में खेलता SATL की तरह ही था ना, तो कोई ऐसा वो भी नहीं था, ग्रुप्स में भी था हमारे। तो कभी तो वो बैक देयर इन दैट पार्टी स्नैक्स सेड कि गोल्डी भाई वो मेरे मैसेज का क्या हुआ। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड। तो उसी दिन फिर थोड़ा पार्टी वैसा माहौल था ना, तो फिर मैंने थकने मॉडल ने हाथ के हाथ पिस्टल लिया, हाथ के हाथ ही वेलकम टू SATL। तो रात को ही हो गया था, फिर सुबह हमने थोड़ा सा उसको वीडियो के लिए वहाँ पे